सिर्फ चौकीदार बन रहा था, आप जान जाएंगे कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात कर रहा हूँ। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, पेट्रोल चोरी मार ली गैस 800 बार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। ये चौकीदार मैं उनको ये जिम्मेदारी दे के मैंने भेजा है कि झारखंड के जिले जिले जाइए, गांव गांव जाइए और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को मजबूत करिए। और वो अकलियत के लोग जो किन्हीं वजहों से नाराज है, और माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं होता, सिख ईसाई बौद्ध पारसी जैन और मुसलमान, 6 कम्युनिटी मिलकर के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बनता है, तो सबको प्रतिनिधित्व मिलेगा। और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के साथियों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि भाजपा जो चाहती है उस नफरत को खत्म करने के लिए सबको एकजुट करिए, मुत्तहिद करिए और आगे बढ़िए। आने वाला दिन कांग्रेस का है, आने वाला दिन राहुल गांधी जी का है, और ये मेरी जिंदगी का भी सपना है कि मैं 2024 में लाल किले से राहुल गांधी जी को बतौर प्रधानमंत्री भाषण देते हुए देखना चाहता हूँ, उसके लिए मेहनत करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत आपने की, झारखंड में उखाड़ फेंका भाजपा को, छत्तीसगढ़ में उखाड़ फेंका भाजपा को, और जिस तरह से प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में मेहनत कर रही है, आने वाले दिनों में हम उत्तर प्रदेश में भी भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। और उसके बाद फिर दिल्ली पर हम लोग यानी कि कांग्रेस पार्टी अपना दावा करेगी और हम दिल्ली भी लेकर के रहेंगे और इस देश को फिर से एक ऐसा खूबसूरत देश बनाने की कोशिश करेंगे जहां बंधु तिर्की, रामेश्वर राव और आलमगीर आलम साहब एक साथ एक थाली में बैठ के खाना खा सके। इसी कोशिश के साथ आपका बहुत सारा शुक्रिया अदा करता हूं और अम्बा जी आभार प्रदर्शन करेंगी। मैं चाहता हूँ कि आधी आबादी की नुमाइंदगी अकेले अम्बा जी कर लें। कांग्रेस पार्टी का जो अल्पसंख्यक विभाग है झारखंड, उसने आयोजित किया था इसको, और मैं राष्ट्रीय चेयरमैन बनने के बाद पहली बार आया हूँ। कल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग कर रहे हैं हम लोग, साथ ही जनता की जो मांग है, जो कांग्रेस पदाधिकारियों की मांग है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, अकलियत सेल से जुड़े हुए लोगों की जो मांग है, उसको लेकर के हमने एक सम्मेलन पर, जिसमें हमारे कुछ मुद्दे हैं, पॉइंट्स हैं जिनका हम सरकार से लगातार मांग करते रहे हैं और प्रमुखता से मांग करेंगे। इस सिलसिले में राहुल जी से भी हमारी बातचीत हुई है। यहाँ मदरसा बोर्ड का गठन होना है, यहाँ उर्दू एकेडमी का गठन होना है, यहाँ पर उर्दू शिक्षकों की बहाली का मसला है, और मॉब लिंचिंग के खिलाफ जो एक कड़ा कानून बनाने की बात कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में करती रही है, उसको लागू करवाने की बात है, तो हमारा विभाग उसके लिए तो अभी झारखंड में सर बहुत सारी मामले हुई है, जैसे रामगढ़ के अलाउद्दीन की हुई, जमशेदपुर में 5 लोगों की हत्या हुई, तो इसमें अभी क्या अपडेट है सर? ये अभी नहीं हुई, ये भाजपा के शासन काल जी, जी, जी। भाजपा ने झारखंड को मॉब लिंचिंग की प्रयोगशाला बना दिया था। जब से गठबंधन की सरकार आई है तब से उन घटनाओं पर अंकुश लगा है, रोक लगी है, घटनाएं लगभग बंद हो गई हैं। अब यह है कि इससे पूर्व में जो घटनाएं भाजपा के शासनकाल में हुई हैं उनमें जल्दी से जल्दी लोगों को न्याय मिल सके, पीड़ितों को, हम इसका प्रयास करेंगे। कांग्रेस पार्टी चूंकि आवाम को जोड़ करके चलती है, आवाम से चलती है, तो आवाम की जो मांग है उसको लगातार मुख्यमंत्री जी के सामने कांग्रेस पार्टी के मंत्रीगण, कांग्रेस पार्टी के विधायकगण, कांग्रेस पार्टी का संगठन उठाता रहेगा और हम डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द एक कड़ा कानून बने मॉब लिंचिंग को लेकर। जी बिल्कुल, अभी इसका जो मुआवजा वगैरह, तो यहाँ तो मेरा ख्याल है कि वो अकेले 50% के बराबर है। एक बार पानी बजा करके अम्बा की पार्टी को बुलाएं, तो आपकी युवा विधायक है और मैं चाहता हूँ कि वो दो शब्द आपको आभार दें। सबसे पहले मैं मंच से माफी मांगना चाहती हूँ, और मैंने ऐसा कोई मंच नहीं देखा जिसमें मुख्य अतिथि के बाद मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को आगे मंच में बात रखने का मौका मिला। सबसे पहले मैं सर आपका स्वागत करती हूँ। आज इतनी बड़ी सभा हुई है और इतने सारे हमारे नेता
जन अपनी अपनी बात रखे हैं अल्पसंख्यक अधिकार के लिए। मैं सबसे पहले तहे दिल से हृदय से धन्यवाद देती हूँ इमरान भैया को, जो झारखंड की धरती पे आ गए, यहाँ पे सबको जगाने का काम किए और अल्पसंख्यक अधिकार के हित में अपनी बात रखे। और मैं बोल रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं क्यों बोल रही हूँ, इतने बड़े बड़े नेता और हमारे इमरान भैया भी आके यहाँ पे अपनी बात रखे हैं, इसलिए मैं आखिरी में सबको धन्यवाद देती हूँ। लोगों से ये कहना पड़ेगा, भाजपा की केंद्र सरकार से ये कहना पड़ेगा कि आवाम का है, किसान का है सवाल, लोगों की जान का है। अदान होने वाली है, मैं आखिर के चार मिनट आपसे एक बार भी सुना के बता लूंगा कि आवाम का है, किसान का है सवाल, लोगों की जान का है। आवाम का है, किसान का है सवाल, लोगों की जान का है। है जो भी शामिल, है जो भी कातिल, है जो भी शामिल, है जो भी कातिल, उन्हीं से इसका जवाब लेंगे, सनत रहे हम हिसाब लेंगे, सनत रहे हम हिसाब लेंगे, सनत रहे हम हिसाब लेंगे।